दोस्तों बिग बॉस ऑलरेडी के लाइव फीड में घर के अंदर इस समय फुकरा इंसान ने एलविश यादव का ही नहीं बल्कि अपने फैंस का भी दिल वापस जीत लिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर गार्डन एरिया में एलविश यादव के साथ फुकरा इंसान बैठकर बातचीत कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने रात को जो इंसिडेंट हुआ था वो पूरी की पूरी सही तरीके से यहाँ पर एलविश यादव के सामने बता दी। दरअसल दोस्तों एलविश यादव को फुकरा इंसान ने बताया कि रात को ये सब लोग तेरी चाल की मजाक उड़ा रहे थे कि तू ऐसा चलता है, ऐसा प्रेग्नेंट वुमन की तरह चलता है, ये तेरी उस बात की मजाक उड़ा रहे थे। सब लोग तेरे को कह रहे थे कि ये साला पुनी सुपरस्टार और बेबिका का मिक्सचर है और देख उनकी बातों में मैं भी साथ में हंसा था ताकि मेरे को सारी बातें पता चले। मेरे को भी हंसी आई थी उनकी बातें सुनकर, मैं भी बाहर आके खूब हंसा था। जिसके बाद दोस्तों फुकरा इंसान को एलविश ने कहा कि अरे कोई बात नहीं यार, तू तो मेरा भाई है, तू मेरे पे हंस लिया, मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, लेकिन उनकी बातें तो बता और क्या क्या कहा, मेरे को बहुत मजा आ रहा है, तू बता। इसके बाद फुकरा इंसान ने रात को जो भी बातें हुई थी, किस तरीके से जिया शंकर और फलक ने मजाक उड़ाया और वो लोग एलविश के बारे में क्या क्या सोचते हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ पर एलविश भाई को बता डाली है। और एलविश ने कहा कि यार और कुछ भी बोला होगा वो भी तो बता। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान ने कहा कि बोला तो और कुछ भी होगा लेकिन मेरे सामने इतना ही बोला क्योंकि उनको भी पता है तू मेरा भाई है और वो ये भी जानते हैं कि मेरे को बताई हुई बातें मैं जाके वापस तेरे को बताऊंगा, इसलिए उन्होंने मेरे सामने ज्यादा मुंह खोला नहीं और इतना ही बताया। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर फुकरा इंसान ने फैंस का दिल जीत लिया है, तो अब फुकरा इंसान को गाली देना आप बंद कर दीजिए क्योंकि दोस्तों फिलहाल तो फुकरा इंसान यहाँ पर एलविश के साथ में सही तरीके से दोस्ती निभा रहे हैं। आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।